दोस्तों शिखर धवन ने 24 अगस्त को डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों ही फॉर्मेट से हमेशा के लिए संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या शिखर धवन ने यह संन्यास मजबूरी में लिया है? अब यह सवाल और भी गहरा गया है क्योंकि एक भारतीय खिलाड़ी ने शिखर धवन के संन्यास पर सवाल उठा दिए और उन्होंने कहा कि शिखर धवन ने मजबूरी में संन्यास लिया है क्योंकि अभी भी उनके पास एक दो साल का खेल शेष बचा था। लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में शिखर धवन ने मजबूरी में संन्यास लिया है? क्योंकि अगर शिखर धवन की रिकॉर्ड की बात करें तो बेहद ही शानदार रहा है। आपको याद होगा कि शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली इन तीन बल्लेबाजों ने एक समय पर भारतीय टीम के लिए मात्र 5 सालों में 100 शतकों का आंकड़ा पार कर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि अपने प्राइम टाइम में शिखर धवन किस तरह के बल्लेबाज रहे होंगे। मतलब शिखर धवन वो बल्लेबाज रहे हैं जो हमेशा ही एक तेज तर्रार ओपनिंग के लिए जाने जाते रहे, चाहे वो टेस्ट का हो या फिर ओडीआई का मैच हो या फिर T20 का मैच क्यों ना हो, शिखर धवन हमेशा ही अपने टीम के लिए तेज तर्रार पारी खेलने के लिए ही जाने जाते रहे। और शिखर धवन को सब कोई गब्बर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका खेलने का अंदाज बिल्कुल गब्बर जैसा ही था। और शिखर धवन की अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करा जाए तो शिखर धवन ने लगभग 40 के एवरेज से टेस्ट में रन बनाए हैं। वहीं अगर ओडीआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 45 के आसपास है। वहीं अगर T20 की बात करें तो वहां पे लगभग 30 के आसपास का एवरेज है। तो आप समझ सकते हो कि शिखर धवन किसी भी फॉर्मेट में कमजोर साबित नहीं थे। लेकिन आखिर शिखर धवन ने तीनों ही फॉर्मेट से या यूं कहें डोमेस्टिक से भी संन्यास क्यों ले लिया, वो भी इतनी जल्दी? हालांकि जल्दी तो नहीं है बट अभी भी उनके खेल में 2 सालों का टाइम तो बाकी था। लेकिन इसके बावजूद शिखर धवन ने संन्यास का ऐलान कर दिया जिसको लेकर भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका मानना है कि शिखर धवन ने मजबूरी में आकर संन्यास का फैसला लिया है। उन्होंने क्या कहा हम आगे आपको उस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिखर धवन ने अपना आखिरी मुकाबला साल 2022 में खेला था, वो भी श्रीलंका के खिलाफ, जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर नहीं गए बल्कि वो टीम के कप्तान थे। लेकिन उस सीरीज में शिखर धवन के बल्ले से हमें रन देखने को नहीं मिला जिसके बाद बीसीसीआई ने उनको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया। और अभी साल 2024 चल रहा है यानी कि लगभग 2 से 3 साल होने वाले हैं शिखर धवन को आखिरी मुकाबला खेले हुए। लेकिन इस बीच शिखर धवन को एक भी मौका दोबारा से नहीं दिया गया और शायद इसी वजह से शिखर धवन पूरी तरीके से टूट गए थे और उनको अब बिलीव हो गया था कि अब शायद वो भारतीय टीम में दोबारा से नहीं खेल सकते और शायद इसीलिए शिखर धवन ने हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन अब चूंकि उनको संन्यास को 2-3 दिन हो गया है, अब सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए बहुत ही तगड़ी बात कही है शिखर धवन को लेकर और उनका मानना है कि शिखर धवन ने मजबूरी में संन्यास लिया है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शिखर धवन के पास सभी फॉर्मेट में खेलने के लिए अभी भी समय बाकी था लेकिन उनके संन्यास लेने से तीनों ही फॉर्मेट में चमक अब फीकी पड़ जाएगी। वो हमेशा एक मुस्कुराते रहने वाले खिलाड़ी है और वो हमेशा ही एक पॉजिटिव माइंड के साथ हमें ग्राउंड पर नजर आते थे और इसलिए हम उन्हें प्यार से गब्बर के नाम से भी जानते थे और गब्बर ही कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है लेकिन जैसा कि भारतीय टीम में हमेशा ही सलामी बल्लेबाजों के साथ होता है, ठीक वैसा ही व्यवहार शिखर धवन के साथ ही हुआ। मतलब एक सीरीज या फिर एक टूर्नामेंट अगर खराब चला जाता है तो बीसीसीआई के सेलेक्टर जो है वो सलामी बल्लेबाज को सीधा ही टीम से बाहर कर देते हैं, जो कि हमें शिखर धवन के केस में भी देखने को मिला और शिखर धवन को सीधा ही टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं बाद के सालों में शिखर धवन के साथ उनके चोट ने बहुत ही नाइंसाफी करी है क्योंकि शिखर धवन जब भी फिट नजर आते थे तब उनको चोट की परेशानी आ ही जाती थी जिसकी वजह से उनके खेलों में धीरे धीरे प्रभाव पड़ता गया और टाइम भी बीतता गया और शायद उनके चोट ने उनके प्रतिभा को आगे आने नहीं दिया क्योंकि अभी भी शिखर धवन के पास कुछ खेल बाकी था। लेकिन चोट की वजह से शायद वो फील्ड पर दोबारा हमें नजर नहीं आ सके और चोट की वजह से ही उनको अपने खेल को दिखाने का मौका नहीं मिला और शायद इसी वजह से शिखर धवन ने मजबूरी में आकर संन्यास लिया है। क्योंकि हम सबको पता है कि शिखर धवन उस टाइप के खिलाड़ी है जो कि अभी आसानी से 1 या 2 साल खेल सकते थे क्योंकि हमने आईपीएल में देखा है उनमें ओडीआई इनिंग खेलने की पोटेंशियल अभी भी बहुत ही ज्यादा है और अगर अभी के टाइम के बल्लेबाजों से उनका कंपेयर किया जाए तो वो हमें थोड़े से ऊपर ही नजर आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि शिखर धवन अभी मजबूरी में संन्यास लिए थे तो गलत नहीं होगा क्योंकि शिखर धवन की अगर रिकॉर्ड की बात करें तो शिखर धवन ने बेहद ही शानदार तरीके से पिछले सीजन भी बल्लेबाजी करी थी। हालांकि चोट की वजह से वो पूरे सीजन में हिस्सा नहीं ले सके थे लेकिन अगर उनकी बल्लेबाजी पर नजर डाले तो ओडीआई के हिसाब से बेहद ही शानदार इनिंग था और उन्होंने कोई कमजोर गेंदों का सामना भी नहीं करा था। मतलब उनके सामने जो भी गेंदबाज थे वो वर्ल्ड क्लास के ही गेंदबाज थे और उन सबके खिलाफ भी उन्होंने रन बनाए हैं। तो मैं ये कैसे मान लूं कि शिखर धवन ने मजबूरी में आके संन्यास नहीं लिया है? मेरे हिसाब से शिखर धवन ने मजबूरी में आके संन्यास लिया है और मैं चाहता था कि शिखर धवन थोड़े से और खेल सकते थे अपनी टीम के लिए लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अफसोस अब उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले ही लिया है तो हम उनके अगले इनिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहते हैं। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि शिखर धवन ने मजबूरी में आकर संन्यास लिया है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और क्या आपको लगता है कि शिखर धवन का रिप्लेसमेंट कभी भी भारतीय टीम में हमें दोबारा देखने को मिलेगा, हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।